ले जाओ, आपको तो पूरा यार। हाई हाय, आप ही की बाइक है ये? थोड़े दिन 4x4 टेस्ट करेंगे। ये कैसा लग रहा है? मतलब देख लो भैया ने प्रॉपर ही नियॉन कर दिया ना, आवाज सुननी है ना। गाइस वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहता हूँ जहाँ पर मैं पर्सनली गेम खेल के पैसे अर्न करता हूँ। इस साइट का नाम है वन विन, जहाँ पर मेरी फेवरेट गेम है लकी जेट के नाम से। तो गाइस इसमें मैंने 3000 रुपए डिपॉजिट करे हैं, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे करने हैं। तो गाइस ऊपर यहाँ पर आपको डिपॉजिट का बटन मिल जाएगा, आपको इस पे क्लिक करना है। उसके आगे आपको अपना पेमेंट मेथड सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर पेटीएम करा है, और आगे आप अमाउंट लिख के डिपॉजिट पे क्लिक कर देंगे तो आपके पैसे यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएंगे। इसके बाद आपको गेम को ओपन कर लेना है, यहाँ पर देख लो लकी जेट लिखा हुआ है। और गाइस यहाँ पर मैं अपनी 2 बेट लगाऊंगा, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। हाँ जी गाइज ये देखो फाइनली हमने अर्न कर लिए 2325 रुपए। यही नहीं, मैंने जो दूसरी बेट लगाई थी वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, और इसमें भी गाइज सेम हुआ है। और गाइज देख लो इसमें पैसे डबल हो गए हैं। तो गाइज अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें पैसे विड्रॉल कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको विड्रॉल बटन पे क्लिक कर लेना है, और यहाँ पर आप अपना पेमेंट मेथड सेलेक्ट कर लेंगे। मैं फिर से पेटीएम करता हूँ, विड्रॉल पे क्लिक कर देना। अभी कुछ देर में ही आपके पैसे जो है इंस्टेंटली डिपॉजिट हो जाएंगे आपके पेटीएम अकाउंट में या जो भी आपने रखा होगा। गाइज इस ऐप को जिसने डेवलप किया है तो वो मेरे नोन में ही है, तो काफी ज्यादा ट्रस्टेड ऐप है। अगर आप स्क्रीन पे दिए हुए इस प्रोमो कोड को यूज करते हो तो आपको 2500 रुपीज का डिस्काउंट भी मिल जाएगा आपके अकाउंट में। तो जल्दी से जाओ लकी जेट खेलो और पैसा कमाओ वन विन प्लेटफॉर्म पे। और ये देखो भाई पैसा हमारे पेटीएम अकाउंट में आ भी गया। तो भाई साहब देखो बात ऐसी कि आज हम लेट है अपनी राइड पे, और असल में हमने मिलने चला था तरुण भैया से, मतलब अपने जम्मू के स्मॉल टाउन राइडर से। तो बहुत देर से मैं मिला नहीं हूँ यार उनसे, तो हमने सोचा क्यों ना थोड़ा सा मीट एंड ग्रीट ही कर ले। और जाने के लिए आज हमें तेज ही चलाना पड़ेगा। चलो तो मैं आज सबसे पहले ही जा रहा हूँ क्योंकि भाई लेट हो गए हैं। R1 जब से मैंने क्लीन करी है ना, तब से भाई इसमें पावर ही अलग आ गई है। तो बेसिकली क्या हो रखा था, जो हमारे इसके फ्यूल इंजेक्टर थे उनके ऊपर थोड़ा सा रेजिड्यू जम चुका था, वो एक तरीके का जिंक होता है। देन मैंने उन्हें प्रॉपरली क्लीन किया WD-40 से, और अब एकदम बाइक हो गई है परफेक्ट। एक वीडियो बनाऊंगा यार जिसमें मैं प्रॉपरली आपको WD-40 के बारे में बताऊंगा कि क्या फायदा है उस चीज का। तो मैं अभी इस चीज को लेके हैरान हूँ कि अगर ये ए मोड पे चलने लग गई तो तब क्या होगा। तो बेहद ज्यादा पावर हो जाएगी, और इस रोड के लिए इतनी पावर भैया बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। मैं थोड़ा सा ज्यादा तेज होता हूँ ना, तब मेरी नजरों के आगे कुछ और चलने लग जाता है, तो दैट्स व्हाई मैं थोड़ा स्लो ही चलता हूँ इस रोड पे स्पेशली। अब भैया कुछ तेज ही जा रहे हैं, लॉट्स ऑफ रिएक्शन मैन, लोग पागल हो जाते हैं देख के। एक चीज अगर मैं तुम्हें बताऊँ ना, हायाबुसा की जो आवाज है वो काफी ज्यादा स्मूथिंग आवाज है। इनलाइन 4 में मुझे यही आवाज पसंद है, बट हमने तो शुरू में ही काम बेड़ा कर दिया। हमें क्रॉस प्लेन पसंद है भाई, चॉइसेस ही अलग बन गई। अगर मैं तुम्हारा एग्जॉस्ट के पास लगा दूँ ना माइक भाई, तुम लोग पागल हो जाओगे कि भैया R1 नहीं एक जहाज है, कितने पटाखे फोड़ेगी। लौंडे पागल हो गए देख के भाई कि ये जा क्या रहा है, कौन से जहाज जा रहे हैं, क्या ही बात है भाई, क्या ही बात है। अपुर भैया फॉर्म में है, आज तो दिन बन गया। देखो मौसम भी धीरे धीरे ना अच्छा होता जा रहा है, और R1 जब गर्म हो जाती है ना भाई तो इसके एग्जॉस्ट का बिहेवियर पूरा चेंज हो जाता है, फिर हर बार पे फट फट करके फटता है इसका। भैया को थोड़ी सी हल्की सी हमने फ्लाई बाई दी है, और यहाँ पर इस रोड पे इतनी दे सकते थे भैया हम। और मेरा टायर है ना जो, इसकी वजह से मुझे वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कॉर्नरिंग में। जल्दी ही डालते हैं इसमें सुपर कॉर्सा वगैरह कोई। ये धमाके, ओ भाई साहब, कमज़ोर दिल वालों के लिए गाड़ी बिल्कुल नहीं है। R1 के पास भी खड़े हो गए ना तब भी ऐसे डर जाता है आदमी, पता नहीं चलता क्या हो गया क्या नहीं। खराब रोड, गड्ढे। अश्विन भैया भी देखिए ना गालियाँ देते होंगे, यार ये बंदा कहाँ कहाँ चलाता है बाइक को। बी आर रियली सॉरी, मैं कोशिश करता हूँ कि इसे आराम से चलाऊँ, अच्छी जगहों पे चलाऊँ, बट क्या करूँ जम्मू में यही है जो है। वैसे तुम में से कौन कौन आया यार जम्मू, एक बार ज़रा मुझे कमेंट करके बताना, और कहाँ गए थे घूमने। तो नॉर्मल जब तुम कैमरा पे देखते हो, मुझे नहीं पता तुम्हें कैसा दिखता है सब, कैसा नहीं, और कैसा फील आता है उसको दिखने के बाद, बट इतना पता है कि जो बंदा चला रहा होता है भैया वो अलग ही नशे में होता है किसी से। ओ भाई साहब पटाखे ही मारना बंद नहीं कर रही, उन्हें पता चल गया होगा, जो हमारे बंदे आगे वेट कर रहे हैं ना उन्हें पता तो चल ही गया होगा कि कौन आ रहा है कौन नहीं। तो भाई साहब मिलते हैं उनको और देखते हैं, पता नहीं खड़े कहाँ पर हुए हैं अभी अपने तरुण भैया और जेरी भाई। और ये जेरी की बाइक है, बट जेरी कहाँ है ये नहीं पता। मैं सोच रहा था बंदे की थार मैंने देखी नहीं है, तो दूर से लग तो यही रहे हैं कि यही होंगे। बिल्कुल बढ़िया भैया, आप बताओ ठीक ठाक हो? बढ़िया। लेट हो जाता यार क्या करूं, अभी तो हमारी पहले से ही प्लान।
क्या ज्यादा लेट हो गए? बाइक हम उधर साइड पे खड़े थे, हमने जब देखा ना, मैं तो गोली बन के आया हूँ यार तब से, लिटरली मैं पीछे से ही, मेरे को लगा मैं हो गया हूँ लेट, तो मैंने डाली बाइक फर्स्ट सेकंड गियर ही डलता है इन रोडों पे, ज्यादा तो डलता नहीं, तो उड़ाते उड़ाते आए हैं। देखो तो सही, आज आपको मराते हैं ट्राई R1 की, देखना चाहता हूँ मैं, डरते हो आप कि नहीं? हिमालयन को चलाता था तो चलती रोड पे ही गिर जाता था। नहीं अरे कुछ नहीं होता, इतना तो चलता है, ये मैं सिर्फ बैठ के वहां से शॉट लूंगा। अरे नहीं नहीं लाउड है, भूकाल भूकाल ज्यादा ही कुछ लाउड है, ज्यादा ही लाउड है, एक बार बैठ के देखो, मुझे पता करना है कि आपकी हाइट के अकॉर्डिंगली ठीक है बाइक की नहीं, बड़ी नहीं है? नहीं मतलब मैं अगर बैठ गया मेरे पैर दे, पता चल जाएगा। अभी ये आई परीक्षा की घड़ी, करो सीधी चल जाएगी यार आराम से, आप एक बार टेस्ट राइड मार ही लो, मैं कहता हूँ। गाइस ये देखो, यहाँ से मेरी ना रैप जो है ये पील ऑफ होना शुरू हुई है, इसके पीछे रीजन बताता हूँ। पहले इसमें कटआउट्स नहीं थे, तो मैं थोड़ा सियाना बन गया, मैंने कहा घर आके प्रॉपर करेंगे, तो ये गाइस उतरना शुरू हो गई, बट डोंट वरी क्योंकि हमने इसका जुगाड़ पहले से कर लिया, हमारी कस्टम फेयरिंग पहुंचने वाली है 10 या 15 दिन में। आपने वो सरप्राइज रिवील किया नहीं? कौन सा? जो ले रहे हो अगला, मैं भी वही चीज का वेट कर रहा हूँ गाइस कि कब अपने तरुण भैया जो अपना वाला मॉन्स्टर है वो भी लेते हैं, बिकॉज आपको भी लगता होगा यार एक चीज तो है, प्रैक्टिकली थार वगैरह ही फिट है आपके काम में, बट काम में तो यही है। हाँ थार वगैरह जिप्सी हो गई उन कामों के लिए, बट आपका भी तो मन करता होगा कि लग्जरी सेगमेंट में जाते हैं, जैसे अपनी रेंज रोवर वगैरह हो गई कोई, वो डिस्कवरी होती है, कौन सी होती है? इतना नहीं अभी जाएंगे, पर अभी काफी स्लो स्लो चल रहा है, उसमें अभी बहुत टाइम लगेगा। लैंड रोवर इच्छा क्या है आपकी ये तो बताओ आगे। यार ये बड़ी ज्यादा चमकीली बना दी आपने, कैसे बिल्कुल ठीक है, आप बताओ किधर आपकी R1 गई है आगे अभी चक्कर लगाने यार, आ रही है सुनाई दी क्या पीछे आवाज? वो देखो ना आ रही है। तो भाई साहब ये आया जेरी हमारी बाइक की टेस्ट राइड लेके, ऑब्वियसली इसको मजा तो बहुत ज्यादा होगा और डरा भी हुआ है ये। भैया जी क्या सीन है, अब बताओ क्या सीन है? बढ़िया बढ़िया या बढ़िया से ऊपर? बढ़िया से ऊपर नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि मेरे को क्रॉस लेन की आवाज को छोड़ना, तू इनलाइन फोर की आवाज ज्यादा सही है, इनलाइन के फोर की आवाज की सब कुछ है, फिर सिंगल सिलेंडर जैसी आवाज नहीं। देख आवाज वाला जो शशका है ना वो हम काफी पीछे छोड़ा है, अब हमें वो क्रॉस प्लेन का फील चाहिए यार, हमारे इंडिया में ही मोस्टली ऐसा। मतलब मैंने फर्स्ट टाइम सुपर बाइक चलाई है, मजा आया ना? क्या कहते हैं जनाब, देख के क्या लगता है आपकी थार इतनी गर्म होती है? इधर हाथ लगाओ। ये चलाया तो अभी नॉर्मल, ये चलाने का नहीं होता, सुपर बाइक्स गर्म होती होती हैं, इनका वो बिहेवियर ही ऐसा है, नेचर ही ऐसा है इनका। हमारी तो सिर्फ फोर लो में गर्म होती है, लो में गर्म होती है फोर। अच्छा कराएं आपको एक बार राइड, फील तो होना ही चाहिए कि क्या है क्या नहीं। तो भाई साहब देखो ये तुम सबकी डिमांड होती है कि तुम्हें चटकीली चीजें बहुत पसंद आती है, तो ये बताओ ये कैसा लग रहा है? मतलब देख लो भैया ने प्रॉपर ही नियॉन कर दिया ना, अब चेंज कराने का प्लान है कोई? हां चेंज कराएंगे। अब क्या कराने वाले हो? जोकर रैप कराओगे? मेरी बाइक पे हुई थी बहुत पहले, फिर तो निकल गई, वो अश्विन भैया ने कराई थी उस टाइम पे, ये गोल्डन वगैरह डाले हुए हैं इन्होंने तो। हाँ यार मेरे को इन चीज़ों से याद आया कि आप लोग सारे मेरे को कह रहे थे कि मेरी R1 पे ये जो लिवर गार्ड है ये एक क्यों है, तो मैं आज तुम्हें ना टेक्निकल फैक्ट बताता हूँ प्रॉपर सही करके। तो असल में ना तुम लोग जितना भी आज तक देखते आए हो ना बाकी चैनल्स पे, या जितने बार भी तुम्हें ये चीज़ें पता लगती है ना कि हमारी बाइक पे ये एक ये दो होते हैं, तो असल में ये दो होते ही नहीं है, टेक्निकली ये बना ही सिर्फ ब्रेक वाली साइड के लिए था। मान लो अगर आप ट्रैक पे चला रहे हो ठीक है, और उसमें आपको पता है बहुत क्लोज कॉल्स होती हैं, आप दूसरे बंदे के एकदम साथ साथ होते हो, तब कहीं गलती से ब्रेक लगने की वजह से कोई मिसहैपनिंग ना हो जाए, गलती से आपके साथ कोई चीट ना कर जाए, इन रीजंस के लिए ये लगाया जाता है। बाकी हमारे इंडिया में तो आपको पता है उसके बाद जब चाइनीज कॉपीज आई तब दोनों साइड लगना शुरू हो गया, और इनको टाइम के साथ साथ एक और पर्पस मिल गया कि ये जो हमारे लिवर्स हैं उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। बट असल में जो स्टार्टिंग पर्पस था इस चीज का, ये जो पतली वाली चीज है इसका यही होता था कि ये ब्रेक को प्रोटेक्ट करने के काम आती थी, तो वो वहां पर काम आते हैं। पीछे गिर जाए ऑब्वियसली, ये बात सही है कि अगर ये ऊपर होती ना पोजीशन तो बंदा पीछे गिरने का बहुत ज्यादा डर है। आवाज सुननी है ना, ये लो क्रॉस प्लेन की आवाज में और इनलाइन फोर की आवाज में थोड़ा सा फर्क होता है, बट अपनी अपनी पर्सनल चॉइस होती है, मुझे भी इसी की पसंद है। यही है, मोड़ते हैं भाई क्योंकि तरुण भाई हमारे मारेंगे इसको टेस्ट राइड। पीछे नहीं, पहले आगे आओ आप। पीछे बैठोगे? बैठ जाओ, डराऊंगा नहीं आस्था कसम से, मैं छपरी नहीं हूं पता है आपको। अब पकड़ लो, अब आपको आत्मा का परमात्मा से मेल होगा। तो
देखो हमारे पीछे तरुण भैया जो बैठे हुए ना, वो अंदर ही अंदर से कहां भरे होंगे पूरे की हो क्या गया है। कैसा था आपका रिएक्शन? एक तो क्या है कि मतलब शायद इतनी स्पीड, ये मैं बाइक के बैठा ही बहुत देर बाद, बहुत देर बाद हो, और मेरी बाइक थी तो वो तो चलती भी वैसे, ऊपर से ये बाइक अल्टीमेट है, और ये अभी अच्छा किया आपने पूरी फुल स्पीड पे नहीं, नहीं नहीं फुल स्पीड पे चलाने वाला ये रोड नहीं है। देखो साइड में पत्थर पड़े हुए हैं, साथ में ट्रैफिक भी है इस रोड पे, साथ में गाड़ी भी एक साइड चल रही है, हाँ हाँ वो सारी चीजें हैं। बट आप मोस्टली जब पहले रहते थे ना, वो रहते थे टॉर्क वाली मशीनों में, आपको खड़ी चढ़ाइयां चढ़नी होती है, इस बार आपको प्योर बीएचपी पे बिठाया हमने। ये भैया इस टाइम ऐसे तो जो कंपनी से स्टॉक आती है R1, वो आती है 200 तक, 200 BHP। हाँ, और ये जो बाइक है ये स्टेज 3 रिमैप्ड है, तो ऐसे लोगों ने तो 227 भी बोला हुआ है इसको, बट जहाँ तक टू बी ऑनेस्ट मुझे लगता है 217 से 220 के बीच बीच में इसकी पावर है, 220 BHP इतनी पावर है इसमें। और रिमैप होने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि ये J&K की सबसे फास्टेस्ट मशीन होगी मेरे हिसाब से, बाकी अगर मैं गलत हूँ तो नीचे यार कमेंट कर देना, क्योंकि डुकाटी भी मेरे ख्याल से 213 BHP तक आती है। आप मारो एक बार राइड और हमें बताओ क्या एक्सपीरियंस है आपका, और आराम से जाओ, बाइक आपकी है अब। ये गए हमारे तरुण भैया, देखो जरा कितनी सुंदर मशीन है यार, मजा आ जाता है इसको देख के। पहली चीज तो ये कि मैंने अपनी लाइफ की ना पहली सुपर बाइक चलाई, ओके, तो मेरे को पावर का कोई आइडिया नहीं है, ओके, तो ये पहले गियर में ही मेरे को लगता है 110-120 तो ऐसे ही चली जाती है, 170 जाती है ये टॉप, मतलब अच्छा मैं इतने लेके उतने नहीं लेके गए, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि क्या फीलिंग है। थैंक यू सो मच। अरे कोई बात नहीं, पहली सुपर बाइक चलाई है आज अपने, और काफी मजेदार रहा। देखो हमारे जो तरुण भैया ना, अभी थोड़े दिन आप और रुक जाओ, ये मशीन तो एक और लाएंगे, बट इनको मैं तंग करूंगा कि एक सुपर बाइक भी ले ही ले अब, क्योंकि हम अगर आपको ना इनके चैनल पे सुपर बाइक चाहिए तो कमेंट करो नीचे। चलाने वगैरह में तो आप कंफर्टेबल हो, आपने R1 चलाई, मैं जब इसको पहली बार चला रहा था ना, मेरे से 2 बार बंद हुई थी बाइक, तो आपके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, तो दैट मींस कि आप सुपर बाइक के कैपेबल हो, आपको ले लेनी चाहिए अब। तो हमारी ऑडियंस हमारे कंटेंट के हिसाब से बताएगी हमें कि हमें लेनी चाहिए कि नहीं। ये जिनकी बाइक है आपकी ऑफ रोडिंग वाली, ज्यादातर ऑडियंस उनको जानती होगी, अश्विन सिंह टकियार, तो आपने देखा होगा उन्होंने अभी थार भी मॉड वगैरह कराई, ये उनकी बाइक है, पहले उनके पास हुआ करती, तब इस पे ना जोकर वाली रैप थी, मतलब ब्लू कलर की, अब हमने इस पे प्रॉपरली रैप कराई सैटिन ग्रे फिनिश में, और थोड़े बहुत ग्राफिक्स कराए हल्के फुल्के। शुरू में ये सोचता मेरे को यार चलाना नहीं आती, यार रोड भी नहीं है, आपको ही पता मेरे को मेरे सब्सक्राइबर्स बोलते हैं कि भाई भगाओ इसको भगाओ, मैं नहीं भगाने वाला बंदा, कभी कभार बीच में स्ट्रेच मिल जाए भगा लेता हूँ, बट तब जब ले रहा था ना, तब मैंने ये सोचा था कि अगर मैं घर पे भी लगाऊंगा ना इसको, तो तब भी मैं खुश हूँ। एक महीने पहले मुझे नहीं पता था कि मेरी बाइक आ जाएगी, मैं खाली चैनल पे बोलता था, कोई पैसे का अरेंजमेंट नहीं, कोई मुझे पता नहीं कुछ, तो एक महीने पहले तक मैं बोलता आ जाएगी आ जाएगी, तब खुद को भी ये लगता था कि मेहनत तो कर रहे हैं एक ना एक दिन आएगी, बट जब आने लगी तो एक महीने में काम हो गया। अब आपका जो ड्रीम है उसके लिए आपको ऐसे होते हैं रात को आते हो ख्वाब वगैरह की अपनी भी आएगी कोई ऐसी चीज? मैं रात को वही चलाता हूँ पूरे सपने में, सपने में, और सुबह जब उठ के सपना खुलता है ना बड़ा दुख होता है, फिर मेरे को लगता है नहीं अब लेनी है सपने में। आ क्या रहा है लेजेंडर? नहीं, लेजेंडर ज्यादा है, फिर फिलहाल तो फॉर्च्यूनर ही आएगी। देखो भैया मैं आपको एक चीज पहले भी बता चुका हूँ और अभी बता देता हूँ, इनका जो काम है ना वो गाड़ियाँ चलाना नहीं है, गाड़ियाँ उड़ाना है, पता नहीं कहाँ कहाँ चढ़ा रहे होते हैं, मेरे को तो समझ नहीं आती इनकी, और इनके हिसाब से मेरे हिसाब से आपको वही पुरानी वाली फॉर्च्यूनर ज्यादा बेस्ट रहेगी। रीजन यही है, एक तो थोड़ा सा बजट का भी है, बस ये है कि जैसे अगर नए वाली ले लेते हैं ज्यादा नए वाला मॉडल, हाँ हाँ, तो जब हम उसे ऑफ रोड पे डालेंगे बिल्कुल, फिर निकालेंगे और फिर जो उसके बम्पर निकल जाएंगे, फिर इमोशनल डैमेज ज्यादा है, और खुद भी बंदे में होता है कि इसको धो साफ करो ये करो, थोड़ी पुरानी हो तो फिर तो टेंशन ही नहीं होती, जहाँ मर्जी घुसा दो। ये तो हो गई भैया क्रॉस प्लेन, अब एक और मशीन दिखाता हूँ आपको, आ जाओ बिल्कुल भैया, ऑब्वियसली ऑल योर्स, आ जाओ कर ही लो आज, मैं तो कह रहा हूँ। देखो मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ, एक बार तरुण भैया के चैनल पे जाके ना नीचे कमेंट्स में मचा दो धूम कि भैया सुपर बाइक आनी चाहिए, बिल्कुल इनको पसंद आने वाली है, वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाती है, बट दिस इज अ रिफाइंड बिल्कुल ठंडी मशीन है, मजा आ जाता है इसको चला के। ठंडी नहीं है, बड़ी हीट है। नहीं बिल्कुल कंफर्टेबल फील हुआ होगा ना ये उस तरीके का। एक चीज लग रही है जैसे मैं उस पे बैठा हुआ, तो वो मेरी पहली सुपर बाइक थी, हां जब मैं दूसरी बार थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी ज्यादा आया, तो थोड़ा ज्यादा पुश किया, पुश भी कर हाथ ही खुला, पर और इसकी आवाज आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी, ये होती है जो हमारी सुपर बाइक्स की आमतौर पे होती है आवाज, हमारी कानों में पड़ती रहती है और हमें अच्छा भी लगता है। और एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, ये जम्मू की मुझे जहाँ तक लगता है सबसे क्लीनेस्ट हायाबुसा है, बिल्कुल इस मॉडल में है कि नहीं, इससे ज्यादा क्लीन तो नहीं है कोई भी। तो अगर आप इस वीडियो पे 25,000 लाइक्स कर देते हो फिर हम कुछ सोचेंगे इनका, हाँ। कि सुपर बाइक दिलानी है कि नहीं, अच्छा। तो जल्दी से 25,000 लाइक्स करा दो इनके, ठीक है। तो मैं तुम्हें असली रीजन बताता हूँ लेने को, उस टाइम इतना पैसा तो हमने खर्च किया ही है कि हम एक गाड़ी भी मस्त ले सकते हैं थार वगैरह, तो वही चीज़ है, ड्रीम की बात होती है, जैसे तरुण भी आपने थार लेनी है उन्होंने या फॉर्च्यूनर लेनी है अभी आने वाले दिनों में, तो वो उनका ड्रीम है, वैसे ही अपना ड्रीम है ये सब।
जो मुझे लग रहा था ना भैया कि आपके पैर नहीं लगेंगे यार, आपके लग गए। मतलब आपकी हाइट भी लंबी है या टांगे लंबी है या कुछ तो ऐसा चक्कर है। देखो साहिल भैया, कंपनसेट करने के लिए कुछ भी बोलो। हाँ, लेकिन बाइक की हाइट तो ज्यादा नहीं है। नहीं, लिटरली है, हाइट तो है इतनी तो है कि आप बाइक को कर रहे हो, चला सकते हो। फिर ये ले जाओ, ले जाओ, आपको तो पूरा है यार। हाँ हाँ, आप ही की बाइक है, ले जाओ आप। तो आज से देखिए आप क्या होने वाला है। ये साहिल भैया यहाँ से ले जाएंगे मेरी थार, ये थोड़े दिन 4x4 टेस्ट करेंगे और हम और भैया सुपर बाइक के मजे लेने वाले हैं। इस बार ये दड़ाने वाले हैं। मतलब नहीं, अगर आप सच में सुपर बाइक में हो ना इंटरेस्टेड, तो आपको कोई बेस्ट वाली बूजा दिलाते हैं। और वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बूजा ना आपके तरह वाली बाइक है, जो जिसमें आप बिल्कुल कंफर्टेबल भी रहते हो। बट ये तो आपकी है, ये तो आपकी। वैसे मुझे इसके भी कॉन्फिडेंस आ रहा है। कॉन्फिडेंस आ रहा है, ट्राई मार के देखो। ट्राई नहीं मारूंगा। क्यों? जैसे फर्स्ट टाइम बैठा ना। हाँ, उस टाइम नहीं वो चीज आई थी। तक तो छोड़ के आ जाओ। ठीक है, फिर बाय बाय। चलो ठीक है भैया, ओके। तो देखो जी, अभी मैं बैठा हूँ हायाबुसा के पीछे और सच बता रहा हूँ भाई, दुनिया की सबसे बेस्ट सीट है। किसी स्पोर्ट्स बाइक में अगर आपको पीछे बैठना है ना भाई, तो हायाबुसा पे बैठ जाओ। और मुझे भी लगता है अगर मैं जब शादी वादी करूँगा ना, तो एक हायाबुसा ज़रूर लूँगा बीवी को पीछे बिठाने के लिए। इस चीज़ का मज़ा यार, देखो एक बार स्पेस कितनी है। साहिल भी आगे मजे से चला रहा है, सब कुछ एकदम कंफर्टेबल और स्मूथली चल रही है बाइक। आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि अभी मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लगी है। तो घर जाके थोड़ा रेस्ट वेस्ट करते हैं, खाना वगैरह खाते हैं, एंड देन इस बाइक का भी कुछ सोचते हैं। आगे का प्रोजेक्ट क्या है हमारा इस बाइक के साथ, वो मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। तो